एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन को अवेंजर्स नया घर गिफ्ट करते हैं और फ्रैंकलिन इस चीज को देखकर बहुत हो जाता है है लेकिन उसको क्रिपी सी स्माइल दिखती उसकी वॉल पे और जैसे ही रात हो जाती है फ्रैंकलिन को उसके घर पे ब्लड दिखने लगता है है अब उसको पता चल जाता है घर में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि घर पर आए हुए रिपोर्टर्स सुबह गायब हुए थे अब मर चुके हैं और फिर फ्रेंकलिन के रूम में आग लग जाती है जिस वजह से फ्रेंकलिन की डेथ हो जाती है अवेंजर्स को पता नहीं होता अभी तक फ्रेंकलिन के घर में किसने फ्रेंकलिन को मार दिया उसी रात सिंचन को पता चल जाता है कि सिंच्रेंकलिन का घर नॉर्मल नहीं अब कोई मॉन्स्टर हॉन्टेड हाउस बन गया टोनी स्टार्क को पता चलता है कि सिनचैन भी फ्रैंकलिन की ही तरह या तो मर चुका है या गायब हो गया है टोनी स्टार्क इस बात का पता लगाने के लिए कुछ क्लूज का पीछा करता है और तभी उसी अगली रात टोनी स्टार्क और हल्क पर मॉन्स्टर हाउस बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है तो क्या टोनी स्टार्क फ्रैंकलिन को बचा पाएगा क्या फ्रैंकलिन का हॉन्टेड हाउस ठीक हो पाएगा जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए

और ये मॉन्स्टर हाउस बन जाता है बिल्कुल सही कहा हल्क ने अपनी से था। करता है, क्या ये सच करा है? है अरे हमने खुद देखा है यहाँ पर इस घर को बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर एक कृपी सी स्माइल दिखाते हुए और इसने में हमारे सामने एक बेचारे पड़ोसी को भी खा लिया और उसके बाद और हल्क इसको पीटने गया तो भाई इसने जाल में बंद करके बहुत बुरी तरह से पूरी रात ठंड में उठा के और जगा के रखा टोनी भैया पागल हो गए

ज अरे मेरी बात तो सुनो आइज आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब इन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है भाई मैंने सोचा था वीडियो रिकॉर्ड कर लें वीडियो भी नहीं कर पाए भाई हल्के बच्चे तू कुछ नहीं बोला मेरे को पिटवाता रहा तू हुआ अरे हल्क बोलता तो हल्क भी पिटता हमें अगली बार हम तैयार रहेंगे किस तरह से तैयार रहेंगे मेरी बात सुन हल्क आज फिर से हम रात होने का करते हैं ये घर जैसी अपने वो क्रीपी से हॉन्टेड मोड में आएगा हम यहाँ पर रंगे हाथ इस घर को पकड़ लेंगे और अवेंजेस को बता देंगे एक बार अवेंजेस हमारे साथ आ गए और हम ये भी जान लेंगे कि ये सिंचन झूठ क्यों बोल रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ेगा इस अभी देखिए रात हो चुकी है और सिंचन ने झूठ क्यों बोला सिंचन ने ऐसा क्यों बोला कि घर में कोई दिक्कत नहीं है फ्रैंकलिन की मौत किसी और वजह से हुई है जबकि हमने खुद खुद घर को खाते हुए देखा है लोगों को जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा तो ऐसा, ऐसा करना है मुझे बस को उठाना है और सीधा माइन साफ के रास्ते पर ले जाना है क्या ये क्या चल रहा है घर में कौन ही रहना चाहेगा तो लगता है

ये सिंचन ने किसी तरह की डील बना रखी है कि इसको जिंदा रखने के लिए ये कुछ भी कर सकता है नहीं भाई सिंचन कभी ऐसे अपने भाई की जान नहीं जाने देगा खुद की जान बचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सही कहा ये सब क्या हो रहा है वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा और ये तो सच में सिंचन

हॉन्टेड हॉन्टेड बना बना ले और बना ले और यही सही मौका होगा मैं मैं क्या करता हूं? क्यों ना ना को और को सिंचैन अवेंजर्स अवेंजर्स के सामने खड़ा कर दो। फिर तो यकीन करेंगे कि सच बोल रहा था ये घर है चलो जल्दी से इस वाले रास्ते से चलते हैं और जाकर अवेंजर्स को लाते है और उनको दिखाते हैं है जिससे इन लोगों को यकीन हो जाए नहीं तो अगर ये बेवकूफ मेरी बात पे यकीन नहीं किया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी बिल्कुल सही कहा। जल्दी उठो, जल्दी उठो। तुझे पाप लगेगा अरे पाप बाद में लगाना पहले मेरे साथ चलो देखो सिंचन क्या कांड कर रहा है भाईकलिन की डेड बॉडी को कहने पर ड्रैक करके पता नहीं कहा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। hmm, कुछ हो तो बचे कभी लगा रखी है? मैंने नहीं लगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये खेल क्यों खेल रहा है? मेरे और हल्क के, सामने तो बड़ा चमकता हुआ, लाल बन के आ जाता है और हल्क ने खुद देखा है सिंचन इस घर से बातें कर रहा था हो सकता है वो बच्चा नींद में हो और नींद में फ्रेंकलिन से बातें कर रहा हो तुझे लगा घर से बात कर रहा है हल्क ने भी देखा था प्लीज कॉमेंट में यस लिखिए और अगर सिंचन यहाँ

कैसे इस घर का पर्दाफाश करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है और एक आइडिया सन्चैन ने कुछ तो बातें की थी घर से फ्रैंकलिन को कहीं ले जाने के बारे में अरे हल्क बताना हल्क को तो लगता है मिलिट्री बेस की की थी नहीं 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 याद आया हल्क ने नहीं नहीं, नहीं उसने माइंड शाफ्ट की बात की थी क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना अगर उसने माइंड शाफ्ट के बारे में बात की थी जल्दी कमेंट में ऐसे लिखिए क्योंकि मुझे लगता है ये कोई भूतगिरी का काम है पक्का कोई फ्रैंकलिन को, को जिंदा करने के लिए, इविल बनाने के लिए लिए बनाने में बैठा है तो चल 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 पड़ोसी की गाड़ी से सीधा जो फ्रैंकलिन की डेड बॉडी का इंजार कर रहा है और सिंशन पक्का आज रात को फिर से फ्रैंकलिन की बॉडी को माइन शाफ लेने के हम उसको वहां पे हल्क ओ, वो कौन है अरे वो तो हल्क का दोस्त फ्रैंकलिन है, oh ये ये तो है। माय आ, आ ये 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 अब तू तो मर चुका है तू सो कैसे सकता है भाई अब इसको उठाओ कोई अब हल्क इसको उठाना जल्दी से पानी ले एक मिनट व्हाट ये क्या ये ये क्रीपी सी स्माइल इस घर पे फिर से आ गई ये सब क्या हो रहा है फ्रैंकलिन भाई जल्दी और जल्दी से वरना ये घर हमारी बैंड बजा देगा हल्का तो लगता है सब सलावा है कुछ भी असली नहीं है मुझे भी ऐसा लगता है मरने वाले लोग ऐसे थोड़ी ना जिंदा होता है के बच्चे अरे ये क्या मैं घर के बाहर क्या कर रहा हूँ और ये अरे ये मेरे घर की क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने फ्रेंकलिन तो ठीक तो, तो है हाँ मैं तो ठीक हूँ मुझे क्या होगा क्या हो गया तुम इतने तो घबराए हुए क्यों फ्रैंकलिन मेरे भाई तू असली तो है ना गाइस फ्रैंकलिन को तो टच करके देखें

तोड़ डाली इसने तो इस घर को मैं छोडूंगा नहीं फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरे भाई फ्रैंकलिन प्लीज उठ जा जल्दी से फल्कू भाई जल्दी से उसको सीपीआर दे हमें फ्रैंकलिन को उठाना पड़ेगा मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा फ्रैंकलिन कम ऑन अरे बाप रे ये क्या हो गया तेरे को फ्रैंकलिन गाइस आप लोग कमेंट में प्लीज फ्रैंकलिन ओपी लिखिए ना बताइए फ्रैंकलिन को आप कितना प्यार करते हैं फ्रैंकलिन कम ऑन मेरे भाई हम तेरे इस हॉन्टेड हाउस को छोड़ेंगे नहीं उसने तुझे मेरी आंखों के सामने एक बार मारा और बिना आंखों के सामने और एक बार दो बार इस घर ने तुझे मार दिया ओ माई गॉड ये क्या हो गया आई एम सो सॉरी मैं तेरे को बचा नहीं पाया हल्की भी यही गलती है

माइंडशाफ लेके चलते हैं फ्रैंकलिन कम से कम हमारे साथ तो सेफ रहेगा ही वैसे भी सिंचैन आज फ्रैंकलिन को पक्का माइंडशाफ ही लेके जाएगा क्यों ना उससे पहले हम ही फ्रैंकलिन को ले जाएं मैं पता करके रहूँगा माइंडसाफ में ऐसा क्या खास है जो ये हॉन्टेड हाउस रात के टाइम सिंचन से फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को उधर भिजवा रहा था हम लोग पता करके रहेंगे आइज अगर आप भी चाहते हैं ऐसा सब कुछ सच पता चल जाए हम फ्रैंकलिन को जिंदा कर पाएँ और वॉन्टेड हाउस का ही पर्दाफाश करके एवेंजर्स की आंखें खोल पाएँ तो जल्दी से प्लीज़ कमेंट में एक बार फ्रैंकलिन ओपी जरूर लिखना हमारे भाई फ्रैंकलिन को हम बहुत सारी पावर देंगे बहुत सारी यहाँ पर दुआएं करेंगे ये अरे बाप रही है क्या आ रहे हैं भाई वो बच्चा जाल का बच्चा था बिल्कुल सही कहा आजकल के बच्चों क्या हो गया है डरते नहीं है बिल्कुल भैया हम तो बिल्कुल भी कदम बांधने निकले रात के टाइम घर में अरे अंकल्स, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं छोटा सा बच्चा है वो डेली रात को बारह बजे यहाँ पर आता है बिल्कुल भैया बिल्कुल आता है बारह बजे अभी भी एक घंटे पहले वो ये माइंड की तरफ गया है बहुत खतरनाक रास्ता है भाई से बाब मत जाना क्या छोटा सा बच्चा अच्छा उसने कपड़े क्या पहने भैया वो लाल टाइप कर पीली चढ़ी होगी पी... अरे वो तो है हैल्क

डेंजरस है ये सब तो एक काम कर फ्रैंकलिन को और कार को यहीं पर प्रोटेक्ट कर कोई भी बात हो तो मुझे आवाज मारी हो मैं तुरंत भगा चलाऊंगा ठीक है और जाओ इसमें आमिर का सूट तैयार रखना बाकी मेरे को एक बॉम्ब चाहिए उस बॉम्ब के इस्तेमाल से मैं इस डोर को तोड़ दूंगा हल्क अपने हथौड़े से तोड़ देगा नहीं नहीं, नहीं, नहीं उसकी जरूरत नहीं है तो बस फ्रैंकलिन के पास रहे अरे बाप रे अरे बॉम 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 हाँ ये रहा चलो गायस यहाँ पे मैंने बॉम्ब लगा दिया अब फाइनली पर्दाफाश होने वाला है जो जो भी भी इसके अंदर है जो भी को ऑर्डर दे रहा है जो भी फ्रैंकलिन की डेड बॉडी का यूज करना चाहता है उस सबको हम सजा देंगे और पता करेंगे उस हॉन्टेड हाउस में कौन है भाई जो उसको कंट्रोल कर रहा है इतनी बुरी तरह से हल्क हल्क तो ठीक है यार ये यार तो आवाज दे नहीं रहा है मुझे खैर थोड़ा और अंदर जाता हूं मैं क्या पता सिन मुझे दिख जाए सिंचन सिंचन कहां पर है, है तो को तो समझ नहीं आ रहा हल्क का दोस्त फ्रैंकलिन कब जिंदा होगा हल्क को तो घबराहट हो रही है और जब को घबराहट होती है हल्क को भूख लगाती है हल्क को तो खाना खाना है को भूख लगी है <laughs> हल्क का दोस्त फ्रैंकलिन अब मर चुका है हल्क बर्गल लेने जाए कि फ्रैंकलिन का ध्यान रखे कुछ ये क्या हो गया हल्क यहाँ कैसे आ गया सिर्फ हल्की नहीं हल्क के साथ फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आ गया और ये तो हल्का दोस्त के का फ्रैंकलिन का घर है हल्क यहाँ क्या कर रहा है अरे हल्क तो, तो डर लग रहा है ये हॉन्टेड हाउस हल्क को खाना जाए हल्क जल्दी से फ्रैंकलिन को बचाएगा और यहाँ से कार में बैठा के फ्रैंकलिन को यहाँ से ले जाएगा इस हॉन्टेड हाउस की नज़र भी हल्क फ्रैंकलिन पर नहीं पड़ने देगा हल्क सिंच को भी बचाएगा और अवेंजर्स को भी बताएगा ये घर बहुत खतरनाक है दोस्तों हल्क के लिए हल्क लिखिए हल्क को यहाँ पर कार चलानी होगी अरे ये क्या हल्क की कार तो चल गई अब जल्दी से हल्क फ्रैंकलिन को ऊपर बैठाता है अरे ये क्या हल्क की कार आगे नहीं बढ़ रही ना ही पीछे लगता है इस घर ने हल्क की कार को पकड़ लिया है हल्क तो यहाँ पर कैद हो गया हल्क को कुछ तरकीब लगानी होगी हल्क को फ्रैंकलिन को बचाना होगा हल्क इस घर को नहीं छोड़ेगा अवेंजर्स जल्दी उठो हल्क की मदद करो इस कमेंट में जल्दी हल्क हेल्प लिखिए अवेंजर्स ओह नो ये क्या हल्क के दोस्त तो घर पर है ही नहीं सब हल्क को छोड़कर चले गए टोनी स्टार्क ने भी हल्क को माइनशॉप पे छोड़ दिया और अवेंजर्स ने भी घर पे छोड़ दिया अब हल्क यहाँ पर क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा हल्क को यहाँ से भागना होगा वरना हल्क भी फ्रैंकलिन की तरह मारा जाएगा हल्क को मरने का कोई शौक नहीं है भागो भागो जल्दी दोस्तों अवेंजर्स से बताओ हल्क हल्क को मदद चाहिए हल्क को यहाँ से जाना होगा हल्क का घर सेफ नहीं है फ्रैंकलिन का घर सेफ नहीं है फ्रेंकलिन ये क्या हल्क तो बंद हो गया हल्क टोर में बंद है हल्क को बाहर निकलना चाहिए हल्क इस दरवाजे को तोड़ देगा और बाहर चला जाएगा हल्क इस दरवाजे को तोड़ के रहेगा हल्क सी से भी डरता नहीं है आ, हल्क को इस घर ने बिजली से मारा हल्क ने घर को घर के अंदर ही मारा टोनी ने तो कहा था हल्क को घर के बाहर मारा जा सकता ना कि घर के अंदर किसी ने तो हल्क को मारा हल्क को बचाओ प्लीज कॉमेंट में एवेंजर्स हेल्प लिखो या फिर टोनी स्टाक हेल्प हल्क फ्रैंकलिन की तरह मरना नहीं चाहता हल्क इस इविल मॉन्स्टर हाउस से नहीं डरता हल्क फ्रैंकलिन को बचा लेगा हल्क को बचाओ प्लीज हल्क की हेल्प करो फ्रैंकलिन को भी बचाओ गाइस अभी तक समझ नहीं आ रहा है भाई मुझे शायद एक डेढ़ घंटा ये, 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 ये क्या है हेलो हेलो भाई साहब आप ठीक हैं अरे बाप रे गाइस लगता है कोई बेचारा है यहाँ पर रास्ता भूला भटक कर मर गया है भाई मैं भी कहीं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस ना जाऊँ मेरी अगर टॉर्च खराब हो गई तो क्या ही होगा मेरा जहावेज हेलो यार मेरे ज़ाविस से भी कनेक्शन नहीं बन रहे हल्क है अभी हल्क कहाँ पर गया अब कहीं ऐसा तो नहीं है हल्क को भूख लगी और वो बर्गर खाने चला गया गाइज अगर हल्क बर्गर खाने के आसपास तो प्लीज़ कमेंट में जल्दी से यस लिखिए और वो कहीं और है किसी मुसीबत में तो नो लिखी है आप लोग जल्दी प्लीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हल्क कहाँ चला गया ऊपर से ये सिंचन कहाँ पर है भाई चौबीस मेरा आयमन का सूट दो अब तो मैं काम करता हूँ सीधा घर की तरफ निकलता हूँ मेरे को तो लगता है हल्क पक्का घर की तरफ ही गया है अगर हल्क घर की तरफ गाइस फंस गया किसी काम में तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए मैं तुरंत पहुंच रहा हूं वहां पर और हल्क को बचा के अरे 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 ये क्या गया एक मिनट

की फुटेज इसको मिला अपने जादू से और जरा दिखा भाई क्या पता इस घर का राज इस घर के सीसीटीवी कैमरास में छुपा पड़ा हो डाबर करके मैं इस टीवी में घर की पूरी से पूरी फुटेज चला देता हूँ ये तो हल्क है गाइस अरे हल्क यहाँ घर पे था पर हल्क इतनी जल्दी आ कैसे सकता है भाई ये हल्क जाने की कोशिश कर रहा है माय गॉड हल्की कार फंस गई है हल्क अपने दोस्त फ्रैंकलिन को कैसे बचाए हल्क है मैंने तुमसे बोला था ना ये कोई नॉर्मल घर नहीं है ये हल्क अभी करने की कोशिश कर रहा है हल्क जाएगा और फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को बचाएगा हाँ हल्क बंद हो गया की मदद करो अवेंजर्स को छोड़ के चले गए टोनी ने हल्को

लोगों मेरे हिसाब से तो वहां से हट ही जाना चाहिए ये घर मुझे नहीं लगता अब नॉर्मली कुछ बिहेव करने वाला है अब हम क्या करें टोनी तो नहीं चलती बताया अगर इस घर को ये पता चल गया कि हम सबको इसके हॉन्टेडनेस के बारे में पता है तो फिर ये खुलेआम यहां पर चोरी चकारी मार पीट लूट और लोगों को मारेगा इसलिए हमें ऐसे प्रटेंड करते रहना होगा कि हम इस घर के बारे में नहीं जानते ये हॉन्टेड नहीं है <laughs> लेकिन इसको पता चल गया ये हमारी बातें सुन बात है बिल्कुल सही कार्टून ही सर हम क्या करें हमें सबसे पहले ये पता करना होगा फ्रेंकलिन की डेड बॉडी कहां पर गई ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है बरोबर

चला गया और ऊपर से घर अब हमको मारने वाला है हल्को में मार दिया भाई <laughs> अरे बचाओ मुझे कोई ये कहा जा रहा हूं मैं इस घर ने मुझे घर के अंदर ही क्यों भेज दिया भाई एक मिनट ये घर मैंने तो नहीं बनाया फ्रैंकलिन का ऐसा और ना ही ये फ्रैंकलिन का पहले वाला घर है और यहाँ तो चौक का घर हुआ करता था चौक का घर कहाँ गया और ये कौन सा सीक्रेट डोर है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो वो कौन सी जगह है भाई गाइज़ ये फ्रैंकलिन का घर है भी या फिर नहीं ऐसा तो नहीं है उस हॉन्टेड हाउस ने मुझे फ्रैंकलिन जैसी किसी डुप्लीकेट घर में भेज दिया हो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा और वो तो सिंचैन है शायद और पापरे मुझे बचाओ कोई मुझे पकड़ के दिखाए यहाँ पर वट

इस तरह से चीखने से बिल्कुल भी सही नहीं होगा भाई साहब ये कहाँ की जगह है मुझे तो पता भी नहीं है पहली बार मैं इस घर पर आया हूँ जबकि ये घर बिल्कुल फ्रैंकिंग के घर से मिलता जुलता है आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना भाई तो जल्दी प्लीज़ कमेंट में ऐसे लिखिए बाकी मैं छुप के देखता हूँ कि असल में इनका प्लान क्या है और हल्क कहाँ पर गया बिल्कुल मैं अभी के अभी हल्क को बुला देता हूँ वो किसी भी हालत में भाग नहीं पाएगा हल्क भाग नहीं पाएगा किस चीज से नहीं भाग पाएगा ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं फ्रैंकलिन को बचाऊं कैसे पीछे से जाके क्यों ना मैं उस इविल इविल को बेहोश कर दूं पर फायदा नहीं है वो हाउस मेरी बैंड बजा सकता है मैं काम करता हूँ क्यों ना फ्रैंकलिन की डेड बॉडी को लेके यहाँ से भाग वही ज्यादा सही रहेगा मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर एक बार मैं फ्रेंक... एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई साहब फ्रैंकलिन की बॉडी तो यहाँ पर धीरे धीरे इस पोर्टल में चेंज होती जा रही है और ये पोर्टल बड़ा भी हो रहा है और ये कौन गिरा ये तो हल्क है हल्क ये क्या हो गया तेरे को हल्क तो ठीक है जिस तरह से गाइस मैं गिरा था उसी तरह से हल्क गिरा है हो सकता है हल्क भी नहीं तरह था हल्क रुक जा मैं तेरे को बचा लूंगा भाई हल्क अरे तू अरे भाई हेलो तैरता नहीं है क्या हल्क तू अरे जल्दी उठ हल्क तू पानी में डूब जाएगा क्या कर रहा है हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा गाय ये क्या हो गया हल्क को हल्क बेचारा चीखता हुआ गिरा था पर अभी सांस भी नहीं निकाल रहा है इसके तो ज़्यादा बुरी हालत ख़राब है मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा हल्का मौन मेरे भाई जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा हमें यहाँ पर फ्रैंकलिन को लेके निकलना है और, और, यहाँ पर दो दो सिंह चैन है गाइज प्लीज कमेंट में हल्को पी लिखे ना प्लीज हमें हल्को बचाना पड़ेगा यार प्लीज वीडियो लाइक करो जल्दी और चैनल सब्सक्राइब हल्को उठ जा मेरे दोस्त प्लीज ए हल्क जल्दी से आ। और यहाँ पर हमारे जो बॉस कह रहे हैं वो कर एक मिनट हल्क जल्दी से आ हल्क तो चलने की हालत भी नहीं है हल्का रहा है हल्क आ गया हल्क यहाँ पर असली हल्क को पीट दिया और अब हल्क ही असली हल्क बन के आ गया What? ये हल्क की आवाज पीछे से क्यों आ रही है गाइस मुझे ये 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 एक और हल्क और इसके चोट भी लगी पड़ी है एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं है इनमें से कोई एक हल्क नकली है और एक हल्क असली है बट भाई अभी असली हल्क और नकली हल्क है कौन अब हल्कू तू मेरा दोस्त है या फिर इस हॉन्टेड हाउस का हल्क किसी का दोस्त नहीं है हल्क अपनी मर्जी का मालिक है वैसे ऐसी उल्टी सीधी बातें तो हल्क ही करता है हल्क मेरी बात सुन भाई मैं तो फालतू में था तू मर गया वो शायद नकली हल्क होगा तू अब भी कभी मेरे साथ चल हमें सिंचन की बॉडी को और फ्रेंकलिन की बॉडी को इस घर से ट्रांसफर करना है बोला ना हल्क किसी का ऑर्डर नहीं लेता हल्क दूसरे का ऑर्डर देता है अब क्या कर रहा है हल्क मैं तेरा दोस्त और हल्क तुझे नहीं जानता गायज ये पक्का नकली हल्क है भाई असली हल्क बेहोश है इसने जरूर उसकी बॉडी और आवाज

मुझे इस घर की लोकेशन को मैप मिलाना पड़ेगा जिससे कि मैं जाऊं और जाकर सारे अवेंजर्स को उठाकर लाऊं उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे और फ्रैंकलिन को सिंचैन को और हल्क को रियल को हम लेके जाएंगे और हॉन्टेड हाउस को अपने फ्रैंकलिन के असली घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे और हमेशा अगले इस परेशानी को दूर कर देंगे अभी कभी एक काम करते हैं हम यहीं से शॉर्टकट लेके सीधा फ्रैंकलिन की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं इस नकली हल्क को नकली सिंचन को और साथ साथ में इस नकली हॉन्टेड हाउस को भी छोड़ूंगा नहीं लिटरली मैं भाई ये बहुत ज़्यादा कृपी है अरे बापरे

लास्ट टाइम कैसे उस हल्क ने हल्क नहीं भाई उस घर ने हमला किया था शायद उस हमले के चक्कर में मैं उस हॉन्टेड हाउस के असली घर पर चला गया था और अब यहीं बेहोश हो गए थे मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई इसने मेरे फ्रैंकलिन घर पर कब्जा किया ही क्यों है भाई मैं जल्दी जाता हूँ और जाकर यहाँ पर देखता हूँ फ्रैंकलिन की डेड बॉडी यहाँ पर है नहीं ये क्या टोनी तो नहीं तो सही नहीं कर रहा है भाई सबसे पहले तू ये बता तूने मेरा ही घर मुझसे क्यों छीन लिया अरे चल भाई अब तेरा घर तेरे लायक है ही नहीं ये घर वैसे भी अब मैं खरीद रहा हूँ तो कम से कम मुझे इस बात के पैसे तो दे मैं जिंदगी बख्श रहा हूँ वही बहुत है और तुझे पैसा चाहिए निकल यहाँ से माई गॉड टोनी नहीं प्लीज मेरे को मत मार है ऐसा कब हुआ मैंने कब ऐसे फ्रेंकलिन को घर छीना उसका कब मारा ये 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 सच नहीं है ये सब झूठ है ये सब इस हॉन्टेड हाउस का तरीका है मुझे डराने का अरे अरे बाप रे ये क्या ओ नो तो बहुत बुरा है तूने मेरे को मार दिया चल भाई मुझे तेरी परवाह नहीं है <laughs> मुझे हमेशा से तेरा घर चाहिए था वो मेरे को मिल गया अब मैंने सोचा तुझे तो जिंदा छोड़ो लेकिन तू जीते जी मुझे घर में रह नहीं देगा इसलिए मैंने तेरे को मारना पड़ा ऐसा नहीं है भाई मैं अपने मैं अपने फ्रैंकलिन को कभी वो भी एक एक घर के लिए नहीं नहीं मैं फ्रैंकलिन को सपनों में भी नहीं सोच सकता इतनी बुरी तरह से धोखा देने की या फिर मारने की ये नकली टोनी स्टाक है ये सब नकली है मेरा फ्रैंकलिन, मेरा फ्रैंकलिन नहीं मरा है। फ्रैंकलिन, हैं? ये तो सब गायब हो गया गाइस यहां पर कुछ है ही नहीं ओ माय गॉड मैं क्या करूं फ्रैंकलिन की डेड बॉडी पता नहीं किस तरह से मेरे दिमाग के साथ खेल रही है ये सब गाइस ये हॉन्टेड हाउस कर रहा है मैं सब जानता हूं फिलहाल मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और जाकर अवेंजर्स को होश में लाना पड़ेगा जो ये मेरी मदद कर पाएंगे अभी दिन में निकलने वाला है तो आई थिंक खतरा कम होगा जल्दी चलता हूँ जल्दी चलता हूँ आस में फायर ब्रिगेड ये रही गाइज अच्छी बात है पास में फायर स्टेशन था और उसी के पास खड़ी हुई हमें फायर ब्रिगेड मिल गई मैं इस पानी का इस्तेमाल करके एक बार में एक झटके में सारे एवंस को उठा दूँगा कमन 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 अवेंजर चलती उठो चलती उठो चलती उठो जल्दी उठो जल्दी

वो घर हमारी बातें सुन सकता है ये कौन सी जगह है भाई तो बहुत खतरनाक स्नोफॉल हो रही है अरे मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है घर में ठंड लग रही है मैं ये मैं जल्दी जाता तो घर का रोड ही है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ जल्दी चलता हूँ ये क्या हो रहा है ये तो है ना पर और सिर्फ नहीं है सिंचाइज यहाँ पर फ्रैंकलिन भी है आई थिंक अब मुझे पता चल ही जाएगा मुझे लगता है मैं सही जगह पर आ गया हूँ इसी तरह से बस ये पता कर लू कि असल में ये हॉन्टेड हाउस और साथ साथ में फ्रैंकलिन की बॉडी के साथ क्या करना चाहता है ही ही। कुछ तो गड़बड़ है अगर आप चाहते हैं हम इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन लाएं तो जल्दी प्लीज कमेंट में पार्ट थ्री लिखिए मैं फ्रैंकलिन को बचा के रहूंगा जल्दी कमेंट में 500 कमेंट कंप्लीट कीजिए जल्दी से पार्ट थ्री लिखिए